स्टूडेंट्स सो द क्वेश्चन इज अ पेंडुलम, ठीक है। पेंडुलम क्लॉक इज माउंटेड इन एन इन्वर्टर बार विच स्टार्ट्स, ठीक है, गोइंग अप विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन डब्ल्यू, ओके, विद डब्ल्यू इज लेस देन जी, एट अ हाइट एच इन द एक्सेलरेशन ऑफ द कार रिवर्सेस, ठीक है, इट्स मैग्नीट्यूड रिमेनिंग कांस्टेंट, हाउ सून आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द मोशन विल द क्लॉक शो द राइट टाइम अगेन, ओके। सो क्या है कि एक पेंडुलम क्लॉक है जो कि एक एलिवेटर में है, ठीक है, और ठीक है यहाँ पे पेंडुलम क्लॉक है, ठीक है, जो कि एक एलिवेटर में है, ठीक है, और ये जो एलिवेटर है वो ऊपर डब्ल्यू एक्सेलरेशन से जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इस केस में, ठीक है, पेंडुलम के लिए जो जी इफेक्टिव लिखूंगा वो हो जाएगा, ठीक है, चूँकि पेंडुलम अंदर है, तो अगर मैं अंदर, ठीक है, इस अंदर के, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात करूँगा तो इस पेंडुलम पे एक फोर्स एम जी लग रहा होगा, और चूँकि एक्सेलरेशन ऊपर है तो नीचे की तरफ एक सूडो फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू होगी एम इंटू एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड के बराबर, ठीक है। तो जी इफेक्टिव को मैं लिख सकता हूँ एम जी प्लस पी एस अपॉन में, सॉरी अपॉन मैम, सो दिस विल बी जी प्लस पी एस एस एम इन टू डब्ल्यू अपॉन मैम, ठीक है। तो जी इफेक्टिव कैन बी गिवन एस जी प्लस डब्ल्यू, जी फैक्टर, ओके, सो दिस इज जी फैक्टर, जी प्लस डब्ल्यू, ओके। सो जी फैक्टर हमें मिल गया, ठीक है। तो भी एक्सेलरेशन, सॉरी, जो लिफ्ट ऊपर जा रही होगी तब इसका जो टाइम पीरियड हुआ होगा, ठीक है, वो टू बाई अंडर रूट एल अपॉन में जी इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं टू बाई अंडर रूट एल अपॉन में जी प्लस डब्ल्यू, ओके, दिस विल बी टाइम पीरियड। क्वेश्चन में लिखा है कि ये एच एक्सेलरेशन, एच हाइट ऊपर ऊपर जा जा जाकर, ठीक है, कार रिवर्स करती है, ठीक है, ओके, कार का एक्सेलरेशन रिवर्स होता है, ठीक है, एच हाइट ऊपर जाकर। तो एच हाइट जाने में मैं टाइम अगर कैलकुलेट करूँ हाफ, ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी इज पर स्कूल टू एच, ठीक है, तो यू जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, तो मैं टी को लिख सकता हूँ टू एच अपॉन में डब्ल्यू, ओके, का अंडर रूट, ठीक है, ये टाइम लगेगा ऊपर जाने में, ठीक है, लेकिन जो पेंडुलम है चूंकि उसका टाइम पीरियड पहले, जो टाइम पीरियड पहले था डेट इज टी वन, टी वन वाज टू पाई अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है, लेकिन अभी टाइम पीरियड जो है नया वो है टू पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी माइनस डब्ल्यू, ठीक है। सो इसकी वजह से जो घड़ी होगी, ठीक है, वो टाइम को स्लो दिखाएगी, मतलब अब जो ये पेंडुलम है, ठीक है, जो अपने यहाँ पे एसएचएम कर रही थी, ठीक है, अब उसका टाइम पीरियड, ठीक है, अगर मैं ये पेंडुलम बनाऊँ, ठीक है, सॉरी, ये जी प्लस डब्ल्यू है, ओके, यहाँ पे जी प्लस डब्ल्यू हमने निकाला क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है, ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड जो है घट गया हुआ, ठीक है, मतलब जो पेंडुलम है वो जल्दी जल्दी ऑसिलेट कर रही होगी, ठीक है, अपने मेन पोजीशन पे बहुत, ठीक है, तो इस लिफ्ट में जो बैठा आदमी होगा उसको वो ये ऑब्जर्व करेगा कि ये इस पेंडुलम ने कई साइकिल्स ज़्यादा कर लिए, ठीक है, तो उसको ये बात पता नहीं है कि इसका टाइम पीरियड घट गया, ठीक है, तो उसको लगेगा कि टाइम बहुत ज़्यादा बीत गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ होगा, टाइम कम ही बीता हुआ, ये टाइम पीरियड कम होने की वजह से उसको फॉल्स टाइम मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं नंबर ऑफ ऑसिलेशंस जानना चाहूँ, ठीक है, जो ये
घड़ी की होगी लिफ्ट के अंदर, ठीक है। इस टाइम टीम है तो मैं लिख सकता हूँ अगर टाइम पीरियड इसका निकाला है लिफ्ट में, ठीक है, गोइंग अपवर्ड में, ठीक है, टी ऑफ जो अपनी लिफ्ट ऊपर जा रही थी, ठीक है, तो उसका अगर टाइम पीरियड 2 π√L अपॉन में g+W है, तो इस टाइम में अगर मैं नंबर ऑफ साइकिल से निकालूँ तो ये हो जाएगा √W अपॉन में, ठीक है, टाइम पीरियड डेट इज गोइंग अपवर्ड, ठीक है, तो ये हो जाएगा √2h अपॉन में W अपॉन में टी अपवर्ड क्या है 2 π√L अपॉन में g+W, ठीक है। बट जो ये आदमी ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, ऑब्जर्व टाइम, ठीक है, वो कितना आएगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इनटू टाइम पीरियड ऑफ पहले जो ओरिजिनल टाइम पीरियड था उसके हिसाब से ऑब्जर्व करेगा, ठीक हो जाएगा 2h√W/2 π√L/g प्लस डब्ल्यू इंटू, ठीक है, जो T1 आएगा इसको हम T1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2π√L/g, ठीक है, तो 2π से 2π कैंसिल, एल से एल यहाँ कैंसिल, तो ये आ जाएगा √2h/2g+W इंटू h/w जी, ठीक है, अब हम देखेंगे, ठीक है, जो लिफ्ट है अब नीचे जा रही है, ठीक है, यहाँ जो लिफ्ट टंगी पेंडुलम टंगा हुआ है, ठीक है, ये लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, तो इस केस में मैं लिख सकता हूँ जो जी इफेक्टिव होगा इस पे, ठीक है, वो कितना होगा g-w, ठीक है, तो इस केस में जब टाइम पीरियड नीचे जा रही है लिफ्ट, तब हम लिख सकते हैं 2π√L/g माइनस डब्ल्यू, ओके, सो अगर ये टी टाइम के लिए नीचे जा रही है, ठीक है, अगर मैं ये सपोज करता हूँ कि टी टाइम के बाद ये अपने ओरिजिनल पोजीशन टाइम में आ गई होगी, ठीक है, अगर मैं ये ऐसा अज्यूम करता हूँ तो टी आफ्टर टाइम टी अगर ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गई होगी, तो टी टाइम के लिए जब ये नीचे गई होगी तो उस समय का ऑब्जर्व टाइम अगर मैं लिखूं, तो पहले तो मैं नंबर ऑफ साइकिल्स निकालता हूँ इस टी टाइम्स के बीच में, ठीक है, तो नंबर ऑफ साइकिल्स हो जाएगा टी अपॉन में टाइम पीरियड डेट इज टी डाउनवर्ड्स वाला, ठीक है, और ऑब्जर्व टाइम अगर मैं लिखूं इसका तो उसको मैं लिखूंगा टी अपॉन में टाइम पीरियड नीचे जाने वाला इनटू, ठीक है, जो ओरिजिनल टाइम पीरियड है इसका दैट इज T1 शुरू में जो था, टी अपॉन में नीचे जाने वाला टाइम पीरियड है 2π√L/g-w इनटू T1, टी नीचे T1 मतलब जो ओरिजिनल था 2π√L/g, तो 2π L से ख़त्म, ठीक है, तो ये आ जाएगा t√g-w/g, ठीक है, तो अगर मैं टोटल ऑब्जर्व टाइम लिख दूँ, ठीक है, तो वो आ जाएगा पीछे जो मैंने निकाला था √2g, प्लस डब्ल्यू इंटू एच अपॉन में जी, ओके, ठीक है, प्लस टी टाइम्स ऑफ √g-w/g, ठीक है, और जो ओरिजिनल टाइम है, ठीक है, जो ओरिजिनल या ट्रू टाइम है, ठीक है, ट्रू
टाइम कितना है? ट्रू टाइम है जो ऊपर जाने में, एच हाइट ऊपर जाने में समय लगा था, डेट इज 2h अपॉन में w प्लस टी टाइम तक अगर ये नीचे चल रहा है तो ये टी टाइम ट्रू टाइम है, ठीक है। तो ऑब्जर्व टाइम टाइम के बराबर हो जाएगा टी टाइम के बाद, ठीक है, क्योंकि एक समय ऊपर जाते समय इस क्लॉक ने टाइम गेन किया है और नीचे जाते समय टाइम को लूज़ किया है, ठीक है। तो वो दोनों बैलेंस हो जाएगा टी टाइम के बाद, ऐसा हम अज्यूम करके चलना है, ठीक है। तो ऑब्जर्व टाइम कितना है? अंडर रूट 2g प्लस w इंटू एच अपॉन में w इंटू जी प्लस टी अंडर रूट जी माइनस w अपॉन में जी इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन में w प्लस टी, ओके। सो टी को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस अंडर रूट जी माइनस w अपॉन में जी इक्वल टू अंडर रूट 2g प्लस w इंटू एच अपॉन में w जी माइनस अंडर रूट 2h अपॉन में w। सो टी कैन बी गिवन एज अंडर रूट 2g प्लस w इंटू एच अपॉन में w इंटू जी माइनस अंडर रूट 2h अपॉन में w अपॉन में 1 माइनस अंडर रूट जी माइनस डब्ल्यू अपॉन है जी, ओके। सो दिस विल बी योर टी, ओके। थैंक यू।